सारी बातें होती है ना जिनका शायद हम जिक्र भी ना कर पाते, क्योंकि आज के टाइम पर किसी के पास समय कहाँ। लेकिन आप फिक्र ना करें, क्योंकि हम लेकर आ गए हैं ऑल टाइम आपका फेवरेट शो, आओ बातें करें। बातें वो जो है आपके दिल के और हमारे दिल के बेहद करीब। ऐसी ही बहुत सारी बातें करने के लिए जुड़िए हमारे साथ लाइव प्रोग्राम में। तो कॉल करने के लिए नंबर डायल करें 01724784401 पर। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम जी। मैं हूं आपका अपना कुमार और स्वागत है आपका हरियाणा बीट्स के स्पेशल लाइव चैट शो आओ बातें करें। बातें वो जो है आपके दिल के और हमारे दिल के बेहद करीब। वो बातें जो अक्सर आप सोचते तो हैं लेकिन किसी के साथ वो बातें आप शेयर नहीं कर पाते। रीजन चाहे कोई कुछ भी हो, क्योंकि जिस तरह का पहले की जो बातें होती थी, पहले जो कोरोना से पहले का जो दौर होता था, तो उस वक्त हम अपने दोस्तों के साथ बैठकों में, अपने सहपाठियों के साथ बैठकर हम बातें किया करते थे, उन तमाम मुद्दों पर चर्चा किया करते थे जो उस वक्त फिलहाल चर्चा में होती थी। लेकिन आज लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से, तो वो सारी बातें हमारी रह जाती हैं। तो इस प्रोग्राम के माध्यम से हम कोशिश करते हैं कि वो सारी बातें आप हमारे साथ शेयर करें। उसके अलावा डेली एक टॉपिक हम ऐसा जरूर चुनते हैं जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से या फिर आपके समाज से या फिर वो बातें जो न्यूज में चल रही है, तो उस पर हम चर्चा जरूर करते हैं। तो आज का जो टॉपिक हमने चुना है वो है शॉपिंग। शॉपिंग आप सभी को पता है कि जिस तरह से हम पहले किया करते थे, तो अब काफ़ी चेंजेस आए हैं। तो आप भी हमें कॉल करके बता सकते हैं, जैसे कि नंबर आपकी स्क्रीन पर जो शो हो रहा था, तो उस पर कॉल करके बता सकते हैं कि आपने लास्ट टाइम शॉपिंग कब की थी, क्या आपने खरीदा था, और पहले जब शॉपिंग किया करते थे तो और अब शॉपिंग करते हैं तो कितना अंतर उस चीज़ में आ गया है। तो शॉपिंग आज का जो हमारा जो टॉपिक रहने वाला है, तो इसी पर आज हम बातें करने वाले हैं। तो जो नंबर आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तो उस पर जल्दी से आप फ़ोन उठाइए और हमें कॉल लगा दीजिए। उसके अलावा टॉपिक से हटकर थोड़ी सी कुछ और बातें करना चाहते हैं, अपने बारे में बताना चाहते हैं, अपने परिवार, अपनी पढ़ाई या फिर अपने काम धंधे के बारे में बताना चाहते हैं, तो भी आप हमें कॉल करके अब बता सकते हैं। उसके अलावा आप हमारे किसी प्रोग्राम के बारे में कोई शिकायत है, कोई सुझाव है, या फिर आओ बातें करने के लिए कोई कुछ ऐसे कुछ नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक आप हमें सजेस्ट करना चाहते हैं, तो भी आप हमें कॉल करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। या फिर बताना चाहते हैं आपका कोई मनपसंद सिंगर है जिसके गाने नहीं चल पा रहे हैं, आप चाहते हैं कि उसके गाने चलने चाहिए, तो भी आप हमें कॉल करके बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक हमने चुना है शॉपिंग, डेफिनेटली हर कोई मिस करता है। जिस तरह के जब पहले कोरोना से पहले जिस तरह से बाजार सस्ते थे, मोस्टली जो काफ़ी जो शहर हैं, रोहतक हैं, हरियाणा के बोर भी बहुत सारे जो शहर हैं, तो वहाँ पर स्पेशल मार्केट होती थी जहाँ पर बड़ी बड़ी मार्केटें सजती थी, खासकर कोई भी फेस्टिवल आता था या फिर वैसे भी इतनी चहल पहल होती थी, इतनी आवाजाही होती थी कि इतनी भीड़ भड़ाका होता था कि बड़ी रौनक बनी रहती थी बाजारों में। लेकिन अब हम देखते हैं कि जितनी भी जो मैन मार्केट है, रोहतक की किशोरी है या फिर चंडीगढ़ की शास्त्री मार्केट है या फिर और भी बहुत से शहरों की जो अलग अलग मार्केटें हैं, कपड़ा मार्केट है और अलग मार्केट है, तो सारी मार्केटें आप देख सकते हैं कि अब पहले जितनी चहल पहल अब वो नहीं रहे। हर कोई मिस कर रहा है कि कैसे किसी तरह से वो खुल जाए। और मैं खुद अपने एग्जांपल दूँ तो लॉकडाउन के दौरान मैं खुद मेरे पास कपड़ों की इतनी शॉर्टेज हो गई थी कि बड़ी मुश्किल से काम चला था। लेकिन अब दुकानें तो खुल चुकी हैं, बट अभी भी जो पहले वाली जो रौनक है वो कहीं ना कहीं बाजारों से अब भी गायब है। और भी अगर जैसे कि बात करें कि जो कपड़े खरीदते हैं, खासकर मोस्टली जो बच्चों की बात करें, तो बच्चे बड़ा ही एक चाव होता है नए नए कपड़े खरीदने का। वो ऐसे इंतज़ार भी करते रहते हैं कि जब भी उनका कोई बर्थडे आएगा या फिर कोई कुछ ऐसा एक मौका आएगा, तो वो उनके घर वाले, उनके मम्मी पापा उनके लिए नए कपड़े लेकर आएंगे। तो इतना जो चाव होता है, खासकर बर्थडे पर तो हर कोई बच्चा होता तो एक ये उम्मीद लगाता है कि उसको इस बार उसके जन्मदिन पर नए कपड़े या फिर कुछ और गिफ्ट जरूर मिलेगा। तो इस बार के बहुत सारे जो बर्थडे गए काफ़ी बच्चों के, तो थोड़े से फीके गए। आई थिंक बहुत से बच्चे आई थिंक केक तक नहीं काट सके, वो घर पे ही कुछ बनाकर ही उन्होंने ऐसे सेलिब्रेट किया। तो डेफिनेटली मिस करते हैं। और पहले की अगर बात की जाए तो बच्चे, खासकर एक जो 90s का एक जो दौर होता था, 90 से लेके 2005 तक, खैर इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। कॉलर हमारे आज के पहले जुड़ गए। हेलो हेलो, हाँ जी, क्या नाम है? हाँ जी, हरियाणा बीट से बोल रहे हैं जी, अपना नाम बताइए। क्या क्या नाम है जी? हेलो, आई थिंक कॉल डिस्कनेक्ट होगी। और जो भी हमारे कॉलर थे वो, कोई बात नहीं, आप दोबारा कोशिश कीजिए, जरूर आपकी बात हो जाएगी। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोनी है। कैसे हो मोनी आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा, तो मौसम कैसा है आपके वहाँ पर?
मौसम एक बार धूप आ रही है, एक बार ठंडा मौसम हो रहा है। अच्छा, धूप आ रही, ठंडा मौसम है क्या सर? अच्छा मतलब धूप है और मौसम बट ठंडा है वहाँ पर है। वैसे हवा चल रही है, मतलब एक बार धूप निकल रही है, फिर बादल निकल रहे, फिर धूप निकल रही है, फिर बादल। चलिए बड़ी अच्छी बात है। यहाँ पर तो जैसे मैं अगर चंडीगढ़ की बात करूँ तो यहाँ तो सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है और मैं भी बड़ी मुश्किल से किसी तरह ऑफिस तक पहुँच पाया हूँ। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा तो मोनी बताइए कि शॉपिंग आप कैसी हो रही है अभी फिलहाल? नहीं हो पा रही आपकी शॉपिंग वगैरह या थोड़ा असर पड़ा? पहले दिन नहीं हो पा रही है बिल्कुल भी। जी, क्यों बाजारों में वो पहले वाली रौनक नहीं रही है या फिर थोड़ी बहुत हो गई है वहाँ आपके वहाँ पर? नहीं, उसे थोड़ी बहुत रौनक है, से तो की भी है शॉपिंग, बट पहले जैसा कुछ नहीं है, मतलब बहुत लिमिटेड है। अच्छा लिमिटेड है। जैसे आप पहले शॉपिंग क्या करते थे बाजारों में जाकर, वो सारी रौनक अभी भी गायब आपके वहाँ पर? जी सर। चलिए कोई बात नहीं, हम भी दुआ करते हैं कि जो पहले जैसा माहौल फिर से हो जाए और आप अच्छे से शॉपिंग कर पाएं। तो आपने लास्ट टाइम मोनी कब शॉपिंग की थी आखिरी बार? मैंने पिछले मंथ की थी सर। पिछले मंथ की थी। जी सर। अच्छा क्या खरीदा था आपने? मैंने तो कुछ खास नहीं लिया, मतलब नॉर्मली था। मैंने ऐसे जीन्स वगैरह दिलाई थी किसी को। अच्छा, जीन्स वगैरह दिलाई थी किसी को, बड़ी अच्छी बात जी है। सर। तो उन्होंने आपको कुछ दिलाया फिर? अच्छा नहीं, वो नहीं दिलाते कुछ वो भी। नहीं दिलाते, चलिए कोई बात नहीं, उनकी कभी क्लास लगाना अच्छे से तो फिर दिलाएंगे आपको, ठीक है? हम भी जी उनसे सर। मैसेज देते हैं कि वो जरूर आपके अच्छे से शॉपिंग कराए। चलिए थैंक बड़ा यू सर। अच्छा लगा मोनी आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। तो मोनी बात कर रही थी जीन जुलाना से, जो कि अक्सर हमें कॉल करती हैं और बता रही हैं कि जो शॉपिंग है उन्होंने लास्ट टाइम। हेलो हेलो सर। नमस्कार जी, क्या नाम है? प्रिंस। प्रिंस, कहाँ से बात कर रहे हो प्रिंस? रोहतक से? यस सर। हाँ, कैसे हो प्रिंस? काफी दिनों बाद कॉल किया आपने, तो कैसे हो? हम तो बहुत अच्छे से। आप सुनाओ। बहुत ही बढ़िया, और आपसे बात करके तो और भी अच्छा लगा, आप तो और भी मूड अच्छा हो गया। अच्छा तो प्रिंस क्या करते हो आप? पढ़ते कौन सी क्लास में प्रिंस? सर, मैं तो 8वीं। 8वीं क्लास में पढ़ते हो? सर कहाँ से हो आप? मैं तो चंडीगढ़ में हूँ यहाँ पे। अच्छा तो प्रिंस बताओ कि आपने लास्ट टाइम शॉपिंग कब की थी? मैंने तो कल ही की थी। कल ही की थी। रिमोट क्या खरीदा आपने? कंट्रोल कार, लगते सब। जी, हेलो। हेलो, हाँ क्या खरीदा आपने? रिमोट कंट्रोल कार नहीं होती अच्छा, हाँ रिमोट कंट्रोल कार खरीदी आपने। सर? ड्रेस। अच्छा किसने दिलवाई, मम्मी ने या पापा ने? क्या सर? किसने दिलवाई आपको कार, मम्मी ने या पापा ने? पापा को। पापा पापा ने दिलवाई, बड़ी अच्छी बात है। तो बहुत पसंद है सर मुझे। अच्छा, अक्सर दिलवाते रहते हैं। तो मम्मी ने कुछ कहा नहीं कि क्यों दिलवाई? मम्मी तो अक्सर कहती है क्यों बेवजह पैसे खर्च किए, ऐसा कुछ बोला नहीं मम्मी ने? मैं सर मम्मी को तो कल कैसे बोली, हाँ दयाला चलिए कोई बात नहीं। चलिए बड़ा अच्छा लगा प्रिंस आपसे बात करके, और आप पढ़ाई में ध्यान रखिए और अपने सेहत का ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच। तो प्रिंस बात कर रहे थे रोहतक से, जो कि 8वीं क्लास में पढ़ते हैं और अक्सर हमें कॉल करते हैं। तो बता रहे थे कि उन्होंने जो शॉपिंग है लास्ट टाइम कल ही खरीदी है, और एक जो रिमोट वाली कार है, बच्चों को बड़ा चाव होता है इस तरह के खिलौने खरीदने का। और एक और कॉलर जुड़ गए। हेलो हेलो हेलो, आई थिंक कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। कोई बात नहीं, आप दोबारा कॉल करके अपनी बात रख सकते हैं। और जैसे कि अब मैं सुन सकता था कि थोड़ा सा आई थिंक पीछे जो टीवी चल रहा था तो उसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टरबेंस था। तो बार बार हम हमारे दर्शकों से अपील भी करते रहते हैं कि जब भी आप हमें कॉल करें तो कृपया करके जो टीवी का वॉल्यूम है थोड़ा सा कम रखें, ताकि आपकी जो आवाज़ है हम तक अच्छे से पहुँच पाए, और हमारी जो आवाज़ है, हमारी जो बातें हैं, जो भी हम आपसे पूछना चाहते हैं तो वो भी आप अच्छे से सुन सकें। तो इस चीज़ का हमेशा आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। हम भी मानते समझते हैं कि हर किसी को एक चाव होता है कि अपनी आवाज को टीवी पर सुनने का, लेकिन अगर पीछे अगर डिस्टरबेंस रहता तो न तो आपको भी सुनने में मजा आएगा, और अगर कोई आप बाद में भी प्रोग्राम देखेंगे या फिर कोई और प्रोग्राम भी देखेगा तो उसको भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। तो आप इस चीज का जरूर ध्यान रखिए। और एक थोड़ी सी जो हमारे जो दर्शकों के मन में एक डाउट रहता है कि जब भी वो कॉल करते हैं
तो उसी वक्त तुरंत उनको उनकी आवाज टीवी पर सुनाई नहीं देती। तो हमारे दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि जब भी आप हमें कॉल करते हैं तो 2 मिनट का गैप हमेशा ही रहता है, यानी कि जब आप हमें कॉल करते हैं तो कॉल करने के जस्ट 2 मिनट बाद जब आप कट करते हैं तो कॉल, तो आप अपनी आवाज सुन सकते हैं। उसके अलावा अगर आप तब भी नहीं सुन पाते तो आप हरियाणा बीट्स के यूट्यूब चैनल पर जाकर भी इस प्रोग्राम को कभी भी देख सकते हैं, तो वहां पर भी हम इसको अपलोड करेंगे। उसके अलावा हरियाणा बीट्स के फेसबुक पेज पर जाकर भी आप, हम वहां पर भी इसका लिंक शेयर करते हैं, तो वहां पर भी आप इस प्रोग्राम को देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आपकी कॉल अगर किसी कारणवश नहीं लग पाती है प्रोग्राम में और आपका जो कोई जरूरी मैसेज है या फिर बात आपकी रह जाती है, तो आप बाद में भी आप या तो यूट्यूब पर जाकर जो कमेंट सेशन है वहां पर कमेंट करके आप अपना जो पॉइंट है आप रख सकते हैं, या फिर हरियाणा बीट्स के फेसबुक पेज पर जाकर भी आप इनबॉक्स भी कर सकते हैं, कमेंट्स भी कर सकते हैं, तो वहां पर आप अपनी बात रख सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि हम अगले दिन वो सारी जो भी आपने लिखी या फिर कोई मैसेज आपने अपने साथी के लिए छोड़ा या फिर कोई सुझाव या शिकायत आपने छोड़ी है, तो अगले दिन हम प्रोग्राम में उस चीज को जरूर शामिल करेंगे। तो शॉपिंग के बारे में हम बात कर रहे थे, तो डेफिनेटली देखो अगर पहले का जो मैं बता रहा था आपको कि 90 से लेके आई थिंक कॉलर एक और जुड़ गए। हेलो, हाँ जी, क्या नाम है सर? मेरा नाम है। क्या नाम है सर? नवीन। नवीन जी कहाँ से बात कर रहे हो? नवीन जी एक बार पहले टीवी का जो वॉल्यूम है सर थोड़ा सा कम कर लीजिए। टीवी का वॉल्यूम सर थोड़ा सा कम कर लीजिए पहले एक बार। टीवी का वॉल्यूम सर, हाँ सर कर दिया। अच्छा तो बताओ नवीन कहाँ से बात कर रहे हो? मैं भिवानी से बात कर रहा हूँ। भिवानी से बात कर रहे हो नवीन, क्या करते हो आप? मैं 9th क्लास में रीड करता हूँ अभी तो। अच्छा 9th क्लास में आप पढ़ते हो, कैसी चल रही है नवीन आपकी पढ़ाई? मेरी पढ़ाई सर बहुत अच्छी चल रही है। वैसे अच्छी चल रही है, ऑनलाइन पढ़ने में मजा आ रहा है? यस सर बिल्कुल। अच्छा तो मतलब है कि जो टीचर्स पिटाई किया करते थे स्कूल में उससे अब बच रहे हो, मतलब वो नहीं हो पाती अब है, इसलिए मजा आ रहा है सर? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा तो नवीन बताओ कि आपने लास्ट टाइम शॉपिंग कब की थी? अभी सर मैं बाजार से आया था और ये टीवी ऑन नहीं किया था। अच्छा तो क्या खरीद के लेकर आए हो आप? नई ड्रेस खरीद के लाया हूँ सर। अच्छा नई ड्रेस, एक या दो? तीन ड्रेस लेकर आए? यस सर। तो कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम है या कोई शादी कोई फंक्शन ऐसा आ रहा है इसलिए खरीदी आपने? यस सर, मेरी बहन के देवर की शादी है। अच्छा आपकी बहन के देवर की शादी है? चलिए बड़ी अच्छी बात है जी, ये तो बड़ा अच्छा है कि आप मिठाई विठाइयाँ वगैरह खाओगे, अच्छी बात है। और कौन कौन है नवीन आपके घर में? मेरे घर में वैसे दीदी है बड़ी, उनकी शादी हो गई, और मुझसे बड़े 2 भाई और हैं, और मम्मी है पापा है। चलिए बड़ी अच्छी बात है, आप अपने परिवार के साथ ऐसे ही खुश मंगल रहे और ऐसे ही आप अच्छे अच्छे अपने पढ़ाई की तैयारी करते रहे, ध्यान रखें। चलिए बड़ा अच्छा लगा नवीन आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। तो नवीन बात कर रहे थे भिवानी से जो कि 9th क्लास में पढ़ते हैं, और उन्होंने बताया कि उन्होंने कल ही शॉपिंग की है और 3 ड्रेसेस खरीदी और ड्रेसेस उन्होंने बताया कि स्पेशल एक जो वोकेशन आने एक स्पेशल फंक्शन जो आने वाला है उनकी जो बहन है उनके देवर की शादी है तो उसके लिए उन्होंने ड्रेसेस खरीदी हैं। तो डेफिनेटली हर किसी ने एक मिस किया, हर किसी के मन में चाव होता है कि कोई भी जरूरी फंक्शन आता है, बर्थडे आता है या फिर इस तरह कोई विवाह समारोह होता है, तो हर किसी के मन में चाव होता है कि अच्छे कपड़े अपनी अच्छी ड्रेसेस पहने, और एक बाजारों में भी बड़ी रौनक होती थी। तो मोस्ट ऑफ टाइम जो आई थिंक कॉलर को जुड़ गए। हेलो, हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, हाँ जी, आवाज नहीं आ रही है। जी जी आवाज आ रही है आपकी, तो आप एक बार टीवी का जो वॉल्यूम है थोड़ा सा कम कर दीजिए, टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर दीजिए आप। कर दिया कम। हाँ जी बताइए क्या नाम है आपका? हेलो, आई थिंक कॉल डिस्कनेक्ट होगी। हेलो, आई थिंक कॉल डिस्कनेक्ट। हेलो, जी जी कॉल डिस्कनेक्ट होगी, कोई बात नहीं, आप दोबारा कोशिश कीजिए जो भी जिन्होंने भी अभी हमें कॉल किया था, और बार बार देखो। हेलो, आई थिंक फिर से लगी कॉल। हेलो हेलो, हाँ जी आवाज आ रही है मेरी, कोई है? हेलो हेलो, हाँ जी क्या नाम है आपका? हेलो, हाँ जी नाम 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 क्या है आपका?
हेलो, देखो फिर से वही दिक्कत। और बार बार हम हमारे दर्शकों से अपील करते रहते हैं कि जब भी आप हमें कॉल करें तो टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम रखें। अभी आप भी देख सकते हैं कि किस तरह से डिस्टरबेंस रहा। और फिर से कॉलर जुड़ गए। हेलो 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 हेलो, हाँ जी आवाज आ रही है। हाँ फिर से डिस्कनेक्ट आई थिंक। तो बार बार हम हमारे दर्शकों से अपील करते रहते हैं कि जब भी आप हमें कॉल करें तो टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम रखें ताकि आपकी और हमारी अच्छे से बात हो सके। तो ये बार बार हमारे दर्शक भूल जाते हैं, बड़े ही शरारती होते हैं या फिर भुलक्कड़ हैं कि इतनी जल्दी वो भूल जाते हैं। तो प्लीज़ आप भी थोड़ा सा ध्यान रखें कि जब भी आप हमें कॉल करें तो टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम रखें। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि जो एक जो दौर होता था 90 से लेके 2010 तक का, तो उसमें क्या होता था कि मोस्टली जो बच्चे होते थे, या फिर मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ साथ साथ, तो उस वक्त सबके एक यही रहता था कि जो कपड़े वगैरह उनके वो कब मामा के यहाँ पर जाएं या फिर मामा उनके लिए कपड़े लेकर आते थे। तो एक ये तरह की जो एक रीत सी मैं कह सकता हूँ और एक बड़ा चाव रहता था। अब तो आजकल देखो इतना नहीं रह पाता कि मामा आएगा कपड़े लेकर आएगा, या फिर मामा के यहाँ जाएंगे छुट्टियों में जाएंगे, या फिर अब वैसे जाएंगे तो मामा के यहाँ से इतने कपड़े लेकर आएंगे, ऐसे कपड़े लेकर आएंगे। तो इस तरह की बातें होती थी। अब शायद थोड़ा सा उतना तो नहीं रहा, बट अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ये रहता ही है कि स्पेशली मामा का इतना इंतजार रहता है। या तो कोई स्पेशल वोकेशन आता है, जिस तरह से कोई मकर संक्रांति आती है, तीज आती है, दिवाली आती है, तो उस वक्त जो मामा को मामा सीधा लेकर आते हैं या फिर कोथली लेकर आते हैं, खासकर हरियाणा में, तो उसमें हर किसी को इंतजार रहता है कि मिठाइयों के साथ साथ मामा जी अच्छे कपड़े भी लेकर आएंगे। या फिर जब गर्मियों की छुट्टी होती है तब भी बच्चे अपनी मम्मी के साथ मामा के घर पर जाते हैं और मामा मामी या नाना नानी उनके इतनी अच्छी अच्छी वो ड्रेसेस वहां पर से लेकर आते हैं। तो एक ये चीज़ एक बड़ा ही चाव रहता था। मैं सच्ची बताऊँ तो अभी भी मेरा इतना रहता है कि मामा जी में इतना एक प्रेम है, इतना प्यार है हमारा, कि अब भी मामा जी मेरे वो कुछ ना कुछ कपड़े वगैरह या फिर कुछ ड्रेसेस, उसके अलावा फोन वगैरह भी वो मुझे दिलाते रहते हैं। तो इतना ज्यादा एक प्यार का रिश्ता है, इतना अच्छा चीज़ एक जो रहती थी। बट कोई नहीं, अब जो टाइम बदला है तो थोड़ा सा अब हर कोई सोचता है कि चलिए कोई बात नहीं, मामा के यहाँ से नहीं, अब मम्मी पापा भी इतने ड्रेसेस वगैरह दिला देते हैं। पहले तो मम्मी पापा भी बोल देते थे कि क्या करोगे मामा यहाँ से, क्या करोगे, लेकर जाओ अपने मामा के यहाँ से ले जाओ, वहीं से ले लेना। तो इतना अच्छा एक बच्चों में भी इतना एक एक्साइटमेंट रहता था कि मामा के घर पर जाएंगे, शॉपिंग करेंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे, और इतना अच्छा एक जो रिश्ता था, इतना प्यार था, तो दोनों में इतना अच्छा वो उभर के आता था, इतना निखरता था। तो बड़ी अच्छी बात थी। बट कोई बात नहीं, वक्त के साथ काफ़ी चीज़ें बदलती हैं और जो शॉपिंग करने का एक जो नजरिया है, अब तो शॉपिंग भी मोस्टली देखो थोड़ा सा स्टैंडर्ड इतना हाई हो चुका है कि अब आपको बाजार भी जाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इतने सारे ऑनलाइन जो कंपनीज हैं कि जो घर पे बैठे ही आपको जो सारी जो शॉपिंग है प्रोवाइड करवा देती हैं। बट वो कहते हैं कि जो विंडो शॉपिंग है, आई मीन जैसे कि बाजार में घूमते घूमते काफी वो रोन के देखना, जो जो शॉपकीपर होता है उसके उनके साथ बार्गेनिंग करना, तो उसका एक अलग ही मजा होता है। बट अब क्या करें, एक हालात ही ऐसे हैं, सिचुएशन ही ऐसे ही है कि अब तो घर पे रहकर ही आप ऑनलाइन जो शॉपिंग करते हैं वही आई थिंक एक बेटर ऑप्शन है कि अपने आप को सेफ भी रखने का और आपको बाहर भी नहीं जाना पड़ता। बट दोनों चीज़ का एक अलग मजा है। हम भी कोशिश करते हैं, हम भी दुआ करते हैं कि आने वाला जो टाइम है कि वो थोड़ा सा अच्छा हो जाए और जो जो बाजार है, जो रौनकें हैं, और खासकर जो छोटे दुकानदार हैं उनको तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। बड़ी जो ऑनलाइन कंपनी जो उनको तो चलो फिर भी उनका तो किसी तरह से काम चल रहा है, लेकिन जो छोटे दुकानदार हैं उनको काफ़ी लॉस हुआ है। तो दर्शक एक और जुड़ गए। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी आवाज़ आ रही है मेरी। हेलो हेलो, आई थिंक आप फिर से कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। और बार बार हमारे दर्शकों से हम अपील भी करते रहते हैं कि जब भी आप, आई थिंक फिर से जुड़ गए। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी आवाज आ रही। हेलो हेलो, हाँ जी, एक बार टीवी का वॉल्यूम सर थोड़ा सा कम कर दीजिए, टीवी का वॉल्यूम सर थोड़ा सा कम कर दीजिए एक बार। हाँ जी सर, आवाज आ रही है अब। हेलो, हाँ जी आवाज कहाँ चले गए। हेलो, आई थिंक फिर से डिस्कनेक्ट और वही सेम प्रॉब्लम बार बार हम भी। हेलो, फिर से कॉल लगी। हेलो हेलो हेलो, हेलो,
हाँ जी, क्या नाम है आपका? आदित्य है। आदित्य, हेलो। आई थिंक फिर से कॉल डिस्कनेक्ट हो गई और आदित्य ने हमें कॉल की थी, तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं आप दोबारा कॉल कीजिए। हेलो हेलो, हाँ जी, क्या नाम है आपका जी? नाम, हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, क्या नाम है आपका? आपकी आवाज मुझे प्रॉपर नहीं आ रही, आप दोबारा कॉल कीजिए। हेलो हेलो, और थोड़ी सी आई थिंक नेटवर्क इशू भी हो सकता है कि। हेलो, हाँ जी, क्या? नमस्कार जी, गुड आफ्टरनून, क्या नाम है? पारुल। यस सर, पारुल। पारुल, कैसे हो आप? गुड 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 पारुल। अच्छा तो पारुल, बताओ कि मौसम कैसा है वहाँ पर जजवंती में? धूप धूप ऐसे यहाँ पे तो। अच्छा अच्छा, धूप है वहाँ पर तो। अच्छा तो पारुल, बताओ कि आपने लास्ट टाइम शॉपिंग कब की थी? आखिरी बार शॉपिंग क्या सर? आखिरी बार शॉपिंग कब की थी आपने? हेलो, हाँ पारुल, आप बताइए कि आपने लास्ट टाइम शॉपिंग कब की थी? सर अभी की थी सर, 2 दिन पहले, क्योंकि मेरी बहन है ना, उनके लड़के का बर्थडे है कल। अच्छा, क्या है, आपकी बहन है, किसका बर्थडे है? लड़के का बर्थडे है कल, इसीलिए मैंने 2 दिन पहले ही शॉपिंग की थी। अच्छा, आपके भाई के भाई का बर्थडे है? नो सर। और मेरे बेटे का बर्थडे है सर। आपके बेटे का? यस सर। आप तो खुद ही बच्चे हो। यस सर, मेरी जो बहन है ना, मेरे ताऊ की लड़की। अच्छा अच्छा, उसका बर्थडे, आई मीन आपके भतीजे का बर्थडे। अच्छा अच्छा अच्छा, उनके बेटे का। वो कितने साल का हो जाएगा अब? सर 1 ईयर का। 1 ईयर का, क्या नाम है उनका? लवीश। नवीन? लवीश। लवीश, यस सर। चलिए, लवीश को भी आने वाले जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और आपका आने वाला जीवन खुशियों से भरा हो, हम भी यही दुआ करते हैं। अच्छा तो आपने क्या खरीदा पारुल? हेलो, आई थिंक फिर से कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। और फिलहाल जो घड़ी है अब वो भी इशारा कर रही है कि जो टाइम है वो जाने का हो गया है। लेकिन जाने से पहले, जैसा कि हमने एक नई चीज़ जो शो में शामिल की है, वो है आज का इतिहास। तो दोस्तों, आज का इतिहास यानी कि 21 अगस्त को सन 2006 में भारत रत्न बिस्मिल्ला खां, उस्ताद बिस्मिल्ला खां, जो सहनाई वादक थे, जो विश्व प्रसिद्ध सहनाई वादक थे, तो उन्हें उनकी जो निधन है वो आज ही के दिन यानी कि 2006 में हुआ था। दूसरा, आज का जो इतिहास है, आज ही के दिन सन 1915 में इटली ने तुर्की के अगेंस्ट पहले विश्व युद्ध में युद्ध की घोषणा की थी। उसके अलावा इसी दिन इटली में जो यहूदी जो शिक्षक थे उन पर भी रोक लगा दी गई। तो ये था आज का इतिहास। तो दोस्तों, अब फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए जाने की, लेकिन जाने से पहले हम हमारे दर्शकों से कहना चाहेंगे कि ठीक अब मंडे को आपसे ठीक 12 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी। तो आप बिल्कुल अपने टीवी से चिपक जाइएगा, फ़ोन हाथ में ले लीजिएगा, तो आपसे फिर से मिलेंगे, फिर से रूबरू होंगे, ढेर सारी बातें करेंगे। तो सोमवार ठीक 12 बजे, तो तब तक के लिए आप देखते रहिए हरियाणा वीट्स। राम राम। कितनी सारी बातें होती है ना, जिनका शायद हम जिक्र भी ना कर पाते, क्योंकि आज के टाइम पर किसी के पास समय कहाँ। लेकिन आप फिक्र ना करें, क्योंकि हम लेकर आ गए हैं ऑल टाइम आपका फेवरेट शो, आओ बातें करें। बातें वो जो है आपके दिल के और हमारे दिल के बेहद करीब। ऐसी ही बहुत सारी बातें करने के लिए जुड़िए हमारे साथ लाइव प्रोग्राम में। तो कॉल करने के लिए नंबर डायल करें 01724784401 पर।